जय श्री राम सभी को, मेरा नाम है श्रीश और स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। गाइस आज अपन चला रहे हैं ह्यूंडई वर्ना 1.6। तो 1.6 डीजल इंजन जो था बहुत ज्यादा फेमस रहा है और एक तरीके से सेकंड डीजल रॉकेट इसको बोलते थे आफ्टर क्रूज। और इसको चलाने में जो फन है ना भाई, जो हाईवे पे जो चिपक के चलती है, हालांकि अगर कंफर्ट वाइज अगर बात करो तो कंफर्ट आगे वाली सीटों में तो खूब है, पीछे भी है, पर पीछे लेग रूम आपको वाला नहीं मिलता। इसलिए जितने भी जो बिजनेस टाइकून्स हैं, जिन जो शॉफर ड्रिविन कार चलाना पसंद करते हैं, मतलब जो पीछे बैठना पसंद करते हैं, चाहते हैं ड्राइवर अगर गाड़ी चलाए, इसलिए वो सियाज या फिर होंडा सिटी में ज्यादा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका जो पीछे का डिजाइन है कूपे टाइप का है। मतलब जो यंगस्टर्स होते हैं अपने जैसे, उनको बहुत ज्यादा पसंद आती है गाड़ी, क्योंकि भाई जो हाईवे पे जो गाड़ी का परफॉर्मेंस है और जो एवरेज देती है ना, मतलब अभी बताऊं, अभी इसको रफ चलाने के बाद, अच्छी तरीके से रगड़ने के बाद भी है ना, ये गाड़ी एवरेज दे रही है यहाँ पे 13.8 का एवरेज दे रही है भाई गाड़ी, इतना रफ चलाने के बाद भी। और इसको अगर अच्छे से चला वाला कि 1.6 लीटर थोड़ा सा कम एवरेज देता है कंपेरेटिव टू 1.5 जो नया वाला आया था, तो लगभग 2-3 किलोमीटर का फर्क पड़ता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी भाई अगर फील की बात करूँ ना, मतलब वेंटिलेटेड सीट्स है गाड़ी के अंदर, एसी बहुत बढ़िया काम करता है, लेदराइट स्टीयरिंग व्हील है, और गाड़ी का जो कंट्रोल है भाई साहब, मतलब 140-150 पे भी गाड़ी जो है कंट्रोल लूज नहीं करती कहीं पर भी। आप शार्प टर्न्स लो, शार्प कट्स मारो, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहता है। और इनफैक्ट आपको एक चीज बताता हूँ, हालांकि जैसे मैं एसयूवी ओनर हूँ, मेरे पास टाटा सफारी है और एसयूवी चलाता हूँ मैं ज्यादातर गाड़ी, तो वो चला रहा हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा इसके अंदर ये देख के चलना पड़ रहा है कि यार ये गड्ढा है यहाँ पर, इस तरीके से चलो। प्रोफाइल टायर की थोड़ी सी इसके अंदर छोटी आती है, तो इसलिए अपन को थोड़ा सा क्या है, छोटे छोटे गड्ढे भी इसके अंदर फील होते हैं। तो इसके सस्पेंशन है उस हिसाब से ट्यून्ड करे गए हैं कि आपको छोटे छोटे गड्ढे वगैरह भी फील होते हैं। हालांकि लो इन टॉक जो है गाड़ी का बढ़िया तरीके से काम करती है, थर्ड गियर के अंदर भी अभी 20 की स्पीड में थी, मतलब इनफैक्ट 16-17 की स्पीड पे आ गई थी, पर कहीं पर भी गाड़ी के अंदर ऐसा लगा नहीं कि गाड़ी स्टॉल हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो वाला फील था। हालांकि फुल टंकी गाड़ी की और 700 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, और गिरती बहुत धीरे धीरे इसकी रेंज, एक खास इसके अंदर है। मेरे पास वेन्यू भी है, और जब मैं वेन्यू चलाता हूँ ना, तो उसकी रेंज तो क्विकली गिरती है, मतलब 1 किलोमीटर चलाऊंगा तो उसके अंदर 2-3 किलोमीटर की रेंज गिर जाती है। ड्रॉबैक रहता है जैसे गड्ढा है इसके अंदर, यहाँ पर जहाँ पर ये थोड़ी सी रोड यहाँ पर खराब थी, तो अब रोड यहाँ पर खराब थी तो मुझे बहुत धीरे से लेनी पड़ी। यहीं पर ही सफारी या कोई ऐसी एसयूवी होती ना, तो मैं देखता ही नहीं, आराम से उछलते हुए इसके ऊपर से लेके जाता, तो एक वो वाली बात है। बाकी कभी दिल्ली मुंबई कर रहे हो, दिल्ली जयपुर कर रहे हो, वहां पर रोड वगैरह कई कई जगह पैच, लेकिन अब तो हाईवे वगैरह बन गया क्या, लेकिन कई पैच ऐसे खराब आते हैं, मतलब हालांकि पैच वगैरह जो खराब आते हैं उसके अंदर भी हालत ऐसी खराब हो जाती है कि नहीं यार गाड़ी कहीं से अड़ जाए, कहीं से ऐसे हो जाए। बाकी भाई एक बार आपको फील दिखाऊं गाड़ी का। तो गाइस भले ही डीजल इंजन डिसकंटिन्यू हो गया, और काफी टाइम पहले 1.6 तो डिसकंटिन्यू हो गया था भाई, जो अपन को फ्लूडिक से देखने को मिला था, और जो फ्लूडिक की दीवानगी थी, हालांकि पहले वाला जो ट्रांसफॉर्म मॉडल था उससे पुराना वाला मॉडल था वर्ना की, तो शुरू से दीवानगी नेक्स्ट लेवल रही है। और यूथ के अंदर सबसे ज्यादा पसंदीदा गाड़ी जो रही है ना भाई, सेडान्स के अंदर वो एक तरफा प्यार वर्ना को मिला है भाई। और आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर वर्ना के साथ एक और चीज अपन को देखने को मिल जाती है। खैर 1.6 और डीजल दोनों ही वर्ना से डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, और धीरे धीरे शायद डीजल चला भी जाएगा। और यहाँ पर जो फील अपन ने इस गाड़ी का लिया है ना, मतलब आने वाली जनरेशन ना तो ले पाएगी, ये जो मशीन है ना भाई उससे नेक्स्ट लेवल मोहब्बत है। और आज भी आप कोई 2018-19 की वरना खरीदने जाओगे ना, तो रीसेल मार्केट में अगर इसकी आप रीसेल पता करोगे तो भाई ये गाड़ी चुटकियों में निकलती है। और इस गाड़ी का एक तरीके से आपको जो रीसेल देखने को मिलता है भाई, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हुंडई का ट्रस्ट मिल रहा है आपको, हुंडई का इंजन मिल रहा है, हुंडई का मेंटेनेंस मिल रहा है, साथ साथ हुंडई की क्वालिटी मिल रही है, फिट एंड फिनिश वगैरह सब टॉप नॉच आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है भाई। और मतलब एक तरीके से आज भी 8-9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक आपको आराम से देखने मिल जाएगी, कई कई लोग तो 11-11 लाख रुपए तक इसकी डिमांड करते हैं 1.6 डीजल SX ऑप्शनल के। तो भैया ये क्रेज वर्ना का अपन को देखने को मिल जाता है। और भाई आपको वर्ना के बारे में एक चीज और बताता हूँ भाई, वर्ना की जो चाबी पूरे लाइनअप के अंदर आपको देखने को मिलती है ना, वो सिर्फ एकमात्र उत्ती प्रीमियम चाबी, लग्जरियस चाबी आपको लेदराइट कवर्ड के अंदर पूरी वरना के अंदर ही देखने को मिलती है, वरना क्रेटा वगैरह के अंदर और किसी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती। एक सोनाटा है जिसके अंदर सेम चाबी आपको देखने को मिला करती है, लेकिन भैया अब जो अपना लेटेस्ट वाला वरना का जो मॉडल आया है 2023 वरना, उसके लुक्स तो ऐसे है रखे हैं कि भाई जैसे कई लोगों को पसंद है कई लोगों को नहीं पसंद, डीजल तो डिसकंटिन्यू हो गया खैर उसके अंदर, तो उस चीज़ को तो छोड़ो, लेकिन यहाँ पर मतलब आपको अब जो नई वाली वरना की चाबी ना, उससे लेदराइट पार्ट भी जो है हटा दिया है। तो अगर अपन ऐसा बोलें कि सिर्फ ये वाली वरना थी जिसके अंदर वरना वाली बात थी, अब वाली वरना के अंदर नहीं है, तो भाई कहीं ना कहीं ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि जो वरना थी वो वरना ही थी भाई, अब लेटेस्ट 2023 वाली वरना के अंदर वो बात रही नहीं, भले क्वालिटी की बात कर लो, फिट एंड फिनिश की या फिर परफॉर्मेंस। तो गाइस अब जैसे लंबे चौड़े राव साहब के बालक बैठे हैं हमारे साथ, तो इनके पैर वगैरह इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े होते हैं, इनको सीट पीछे करके बैठनी पड़ती है, उस केस के अंदर पीछे देखो अपनी जगह बिल्कुल ही नहीं बचती, पीछे कोई दूसरा अगर छोरा बैठे
मतलब बैठ ही नहीं सकता भाई, ये वाली बात है। और भाई साथ साथ काफी लोग ये चीज भी बोलते हैं कि वरना जो 2023 आई है उसकी जो है ग्राउंड क्लियरेंस इंप्रूव हो चुकी है, 5 mm से बढ़ा दी, इसलिए थोड़ा सा बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस अपन को देखने को मिलने लग गया उसके अंदर। लेकिन भाई ऐसा सच तो है, लेकिन सच के पीछे भी एक फैक्ट है जो छुपा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। वरना की जो लंबाई थी ना उसको भी बढ़ा दिया है, तो सिर्फ अपनी जो है ग्राउंड क्लियरेंस ही नहीं लंबाई भी बढ़ी है। उस वजह से क्या है कि एक तरीके से देखा जाए तो रेशो इक्वल ही आ गया, समझे आप किसी चीज को। जैसे इस तरीके को अपन ऐसे समझते जैसे कि लंबाई होने से और ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने से कोई फर्क इसके अंदर ऐसा कुछ रहा नहीं, लगभग अपार्चर और डिपार्चर एंगल जो है इसका बराबर सही हो गया। तो इसके अंदर तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में तो भाई अभी भी जो है वरना के अंदर वही सेम वाली बात है। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस ही चाहिए ना आपको, सेगमेंट में सबसे बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है अपनी स्कोडा स्लाविया और वोक्सवैगन की वर्टस है सेडान। हालांकि दोनों पूरा प्रॉपर सेडान वाला फील है गाड़ियों के अंदर, बढ़िया स्टेबिलिटी वगैरह है, लेकिन उसके अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो एसयूवी वाली उन्होंने कर दी। अब खैर वो अपनी एक अलग जो है मार्केट के अंदर वैल्यू रखती है, लेकिन भैया वरना का जहाँ पर नाम आता है ना, स्पेशली ये वाली जो अपनी 2021 तक जो भी अपन को देखने मिली 1.5 आ गया था, हालांकि बाद में तो डीजल के अंदर, तो हालांकि एवरेज के अंदर उसके अंदर सुधार आ गया था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अपना जो परफॉर्मेंस वाइज अगर जो पंच वाली बात जो है ना वो तो आपको इसके अंदर देखने मिलती है। और इसके अंदर भी नहीं भाई, जो सबसे फर्स्ट वाली वरना थी ना भाई, वो जो उसके अंदर मजा था ना वो वाला, खैर इसके अंदर भी नहीं है। 2018-19 के हिसाब से तो भाई इसके अंदर अपन को सीट्स वगैरह के अंदर वेंटिलेशन देखने को मिल जाता है, साथ साथ भाई वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करता है। साथ ही साथ जो इसका स्टेयरिंग व्हील का रिस्पॉन्स है वो भी थोड़ा सा हार्डर साइड रहता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग व्हील नहीं है, इसके अंदर वो अपना हाइड्रोलिक्स वाला अपन को देखने को मिल जाता है। और जिसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया लगती है ना, जैसे कि आप इनिशियल सिटी वगैरह में चलाओगे तो ठीक ठाक लाइट लगता है, लेकिन हाईवे वगैरह पे भी आराम से बढ़िया सा एक वेट कैरी कर लेता है और हार्ड हो जाता है स्टीयरिंग व्हील, तो आपको जो कॉन्फिडेंस ऑफर करती है ना गाड़ी भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से ऑफर करती है। मतलब इसको आप अगर 150 से 160 की स्पीड में भी चलाएंगे और आराम से कट वगैरह मारेंगे ना, तो एक तरीके से गाड़ी आपको कॉन्फिडेंस देगी वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि भाई 200 पे ले जाओ क्योंकि सेडान है, क्योंकि वरना है, ऐसा नहीं है भाई। इतनी भी कोई हाई लेवल की इंजीनियरिंग इसके अंदर नहीं करी गई, BMW वगैरह वो डिज़ाइन रहती है उन सब चीज़ों के लिए ना, इसके ब्रेक्स वगैरह उस टाइप के हैं, फिर वो 200 की स्पीड में ब्रेक ले लेगी, वो जो स्पीड होती है वो ज़्यादा एक तरीके से खतरनाक हो जाती है। लेकिन भैया फिर भी जो कॉन्फिडेंस वाली बात बता रहा हूँ, जैसे SUV के कंपैरिजन में अगर अपन बात करें, होंडा सिटी के कंपैरिजन बात करें, IVTEC भाई बहुत ही प्यारा इंजन है, उसके अंदर भी कोई उसकी भी एक अलग जो है मेरिट वगैरह है। लेकिन हमेशा से जो चीज़ बोली जाती थी ना कि अगर आपको पेट्रोल लेनी है तो होंडा सिटी में जाओ, डीजल लेना है तो वरना के अंदर जाओ, तो वाली बात है क्योंकि CRDI 1.6 जो इंजन था ना उसका मुकाबला मतलब सेगमेंट के अंदर कहीं पर भी नहीं था। और उससे ऊपर वाले सेगमेंट में भी चल जाओ ना क्रूज बंद होने के बाद, तो भी वो मुकाबले वाली बात उसके अंदर कहीं पर भी अपन को देखने को नहीं मिली। तो गाइस वही वाली बात है, इसके अंदर थोड़ा सा अपन को ऐसे होकर बैठना पड़ता है, थोड़ी सीट पीछे करके क्योंकि पैर ढंग से आती नहीं है। बाकी तो भाई इस गाड़ी का ओवरऑल चलाने के मामले में फील बहुत ज्यादा गजब का है। लोकेश भाई आप क्या कहना चाहते हो इस गाड़ी को चलाने के मामले में? भाई एक नंबर है। आप फॉर्च्यूनर के बाद में ये चलाते थे, वो कैसा फील आता है? बस इसमें सेडान का अच्छा फील आता था, उसमें एसयूवी का अच्छा फील आता था। बताइए काले कांच क्यों बना रखे हैं यार? टिंट इज मस्ट, जरूरी है। जरूरी है क्या? इसके बिना हमारी गाड़ी नहीं चलती, नहीं चलती, सारी गाड़ियों में जरूरी है। सारी गाड़ियाँ इसकी ऑल जेट ब्लैक है। खैर ये तो मजाक वाली बात है भाई, 1.6 वरना का फील कैसा लगा आप? काफी सारे लोग इस गाड़ी के दीवाने हैं भाई, ये वाली बात है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।